दोस्तों गूगल की तरफ से एक ऑटोफिल नाम का फीचर दिया जाता है और वो इसलिए दिया जाता ताकि आप कोई भी चीज़ आसानी से फिलअप कर सकें। लेकिन अगर उसमें आपकी डिटेल्स की जगह किसी दूसरे की डिटेल्स या फिर कोई दूसरा नाम आ जाता है तो ऐसे में ऑटोफिल का कोई भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे हम ऑटोफिल में सिर्फ अपने ही डिटेल्स लाएंगे और कोई भी गलत डिटेल नहीं आने वाली। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जीमेल और जिस भी जीमेल का आप ऑटोफिल में डिटेल्स लेना चाहते हो वही जीमेल अब आपके ऑटोफिल में आएंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहीं पर भी चाहे गूगल में हो या फिर किसी भी वेबसाइट में हो अगर वहाँ से आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरते हो तो आपको कुछ इस तरीके से अपने जीमेल का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। इसके लिए आपको वो अकाउंट सर्च कर लेना जो आपका यहाँ पर नाम शो कर रहा है। जैसे कोई दूसरा है तो आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे दूसरे नंबर पर ऑटो फिल का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ऑटो फिल विथ गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना और यहाँ से आप जो भी नाम चाहते हो जिस भी जीमेल का वो यहाँ पर स्विच कर लेना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो आप यहाँ से उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं पहले उस अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ जिसकी मुझे डिटेल्स चाहिए ऑटोफिल के लिए। तो मैंने इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा वो अकाउंट लग चुका है। अब मेरी सारी डिटेल्स इस अकाउंट की शो होगी जो मैंने अभी लगा लिया है। लेकिन अभी आपको एक चीज़ करना है जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जो भी अकाउंट आप लगाएंगे तो उसका भी ऑटोफिल ऑन होना चाहिए और अगर आपका नंबर भी गलत आ रहा है ऑटोफिल में तो आप उसको भी बंद कर सकते हो और कुछ दिन बाद जब इसको फिर से ऑन करोगे तो आपको आपका ही नंबर शो करेगा। तो इसी तरीके से आप एड्रेस और पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो। जिसका भी आप पासवर्ड चाहे उसी का यहाँ पर आप पासवर्ड लगा सकते हो। जैसे कि पहले आपने किसी का सेव किया होगा पासवर्ड तो आप यहाँ पर वो लगा सकते हो। और अगर आपका ऑटोफिल में नंबर चेंज नहीं होता है तो आप उसको पहले जीमेल के रिकवरी से उसको हटा सकते हो, उसके बाद आपका ही नंबर शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक के लिए अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में।